ओपन करके दिखाऊंगी क्या है नहीं है। आ जाए बस। जोया पार्सल आया जोया का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जुमा है, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी सुबह का 12 बज रहा है। मेरी गला भी ठीक नहीं हुई। और ये वाला ब्लॉग ना मैं फैज़ान के कहने पे आज शूट कर रही हूँ, है ना फैज़ान? क्योंकि फैज़ान को बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी है ब्लॉग में। और एक पार्सल भी आया है, अभी नहीं आया, अभी आएगा, नीचे ही है, वो भी शेयर करूँगी। तो दरअसल रात को फैज़ान की बुआ जी है ना, खिलौने कुछ घड़ी वगैरह ला के दिया है, वो दिखाना है ना, क्योंकि इन्हें भी पता चल गया कि ब्लॉग बनता है और ब्लॉग में दिखाते हैं हम। तो इन्हें इंतज़ार रहता है कि कब वीडियो शूट होगा। वैसे भी अभी जोया नहीं। वालेकुम, हाय, कैसे हैं? चलो, तो ये है जोया की घड़ी, जो कि पूरी रात उन्होंने लाइट बंद करके, जैसे कि ये देख रहे हैं बेटा कैसे करते हैं। अच्छा, इसकी ना तो पूरी रात लाइट बंद करके इन लोगों ने खेला है। जैसे कि ये देखें, घड़ी है ना, इसमें स्पाइडरमैन की, ये जैसे ये जोया के घड़ी में ये बारबी डॉल का दिखता है, ये देखें दीवारों पे। तो अब दिखा दिया ना, अब क्या पार्सल लेने आयशा नीचे गई है। वैसे पार्सल का तो मुझे भी याद नहीं कि मैंने क्या मंगाया है, बहुत दिन बाद आया, क्योंकि इतने मैंने 2-3 पार्सल घर के कुछ सामान बुक करा था, जैसे फ्रिज वगैरह का, किचन का, वो तो कैंसिल हो गया। तो अब मुझे याद नहीं कि कौन सा उनमें से आया है, और देखते हैं कौन सा आया है। मस्जिद के सामने नहीं मिला, आयशा को भेजा जा पार्सल ले, और वो वापस आ गई, कह रही उन्हें मिला ही नहीं। अब दोबारा से मैं भेजी हूँ, अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं, आता है कि नहीं आता है। तो मुझे याद नहीं है कि क्या है, तो ओपन करके दिखाऊंगी क्या है नहीं है। आ जाए बस। और फिलहाल अभी घर में चाय नाश्ता तो हमने सब ने कर लिया, और जैनब भी ऑफिस, साहिद भी ऑफिस, आमिर तो सिर्फ मतलब सब काम पे अपने अपने, जोया बस स्कूल में है मेरी बच्ची, और हमजा भी स्कूल में क्योंकि उनका आज पेपर है। बस हम दोनों ही हैं। हाँ, बस हम दोनों ही हैं अकेले। मर्द है ना इतना बड़ा ढांसू, दादा अब्बा मेरा फैजान, ये मतलब इतना चेप होता है ना मुझसे फैजान, मैं क्या बताऊं। मैं चाय बनाऊंगी तभी पिएगा। सुबह मैं लेट उठी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी जुकाम, क्योंकि मैं सुबह उठी थी, जोया को तैयार व्यार करके भेज देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और ये उठ के से एकदम रोता रहता था कि अम्मा उठो, अम्मी उठो, चाय बनाओ। नानी चाय बनाती हैं, देती हैं, बुलाई इतना आ जा, कह रही मैं क्यों तुम्हारे हाथ से नहीं पीऊँगा, मैं अभी मम्मी बनाएगी फिर चाय पीऊँगा, है ना फैजान? हाँ। मुझसे बहुत चेप होता है, इनकी वजह से मैं 10 मिनट के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अगर चली जाती हूँ ना ये लड़ाई करवा देता है, अब भी मम्मी को बुलाओ, अभी कहाँ गई, मतलब मैं आधा घंटा से ज़्यादा नहीं रह सकती। और ये रिश्वतखोर भी है बहुत बड़ा। मैं इनकी वजह से शॉपिंग करने, सामान लेने, कहीं भी मैं कहीं भी नहीं जा सकती, मतलब ऐसा हो गया अगर मैं जाती हूँ तो इनको लेके जाना पड़ता है, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, नहीं तो ये ना लड़ाई करवा देता है घर में कि अम्मी चली गई, 4 घंटा चली गई, 3 घंटा, जो कि मैं नहीं जाती हूँ। मैं क्यों लेके जाऊँ, कह रहे हैं मुझे भी लेके जा करो, मैं क्यों लेके जाऊँ, इनके शौक इतने बड़े बड़े, अपनी बुआ के साथ जाया कर, तेरे बुआ के पास बहुत नोट है। आपके पास भी है? मेरे पास भी है, मेरा बैंक खाली हो गया अभी। ये है क्या है? वो खिलौना, खिलौना नहीं है। क्या है इसमें? चल देखते हैं आज। मामा खिलौना वही जो काम करते हैं ना बाइक का, उन्होंने ही दिया है। कौन बाइक का? सामने बाइक का काम नहीं होता, मम्मी बाइक ठीक होने में उनके पास ही है, फैजान करिए। वाली
देखते हैं। भाई बेइज्जती करवाती है मेरी अमन को से। जोया क्या करवाया? पूरी जोया अभी दे आमिर रिएक्शन है। जोया पार्सल आया किसका? जोया का पार्सल आया। हाँ कौन सा पार्सल है देखना है? जाओ माय पार्सल मेरा पार्सल ये। हाँ उधर हो गया। अब फटाफट से उधर वाला घर बनाओ। चाहिए दोनों खा लो। वह चाहिए मैं बनाऊंगा लाऊंगा। और जोया को मैंने चेंज कर दी, सारे खिलौने लेके बैठ गए, पूरा दिन यही काम रहेगा। और आज मैंने मैम ने ये मंगवाया था स्कूल में दिए विए बनाने के लिए, हमने दिए दिए थे और ये जोया तोड़ के ले आई है। और डेकोरेशन का भी पूरा सामान दिया था, फिर भी बच्चों से जितना हुआ शायद मिलके मैम के साथ ऐसा ही डेकोरेशन करा। बाकी चीज़ें कहाँ है जोया? बाथरूम भी बना लेंगे हम बाथरूम। तो जी बस ऐसा ही होता है हमारा ब्लॉग। आप लोग कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसी लगती है ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग जैसा हो मेहनत तो है थोड़ा बहुत। और मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो शूट करके अपलोड करना, क्योंकि जब मैं डालती हूँ तभी मुझे पता चलेगा कितने लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं मेरी वीडियो को। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। तो आज का इतना ही छोटा ब्लॉग। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू। मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।